दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉर्न को बॉईल करेंगे। 2 कप पानी में मैंने 1 कप स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। कॉर्न हमारे बॉईल हो गए हैं। एक बाउल में हम कॉर्न लेंगे, टू टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाएंगे इसे। सारा कॉर्नफ्लावर कॉर्न पर अच्छे से चिपक जाए तब तक हमें इसे मिक्स करना है। अगर जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाएंगे इसे। थोड़ा कॉर्नफ्लावर और ऐड करूंगी अच्छे से बाइंडिंग आने के लिए, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम कॉर्न को फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो कॉर्न फट सकते हैं। पहले लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। इसी तरह हम सारे कॉर्न फ्राई कर लेंगे। टिश्यू पेपर पर इसे निकाल लेंगे। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाएंगे इसे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।